हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है हिस्टोफेंसी पर। चलिए जानते हैं 20 मई की हिस्टोफेंसी। नंबर एक, स्पेस से अर्थ कितनी खूबसूरत लगती है ये तो आज हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस से अर्थ की पहली फोटो किस तरह खींची गई थी? 24 अप्रैल 1990 को नासा ने स्पेस में हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजा। इस टेलीस्कोप ने 20 मई 1990 को स्पेस से अर्थ की पहली फोटो भेजी, जिसमें अर्थ बहुत ही सुंदर लग रही थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम एडविन हबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने यूनिवर्स में हमारी आकाशगंगा जैसी अनेक आकाशगंगाओं के बारे में बताया था। अगर आपको अर्थ की पहली फोटो का ये फैक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर दो, दोस्तों आपने किसी न किसी मेले में काइनेटोस्कोप तो देखा ही होगा। काइनेटोस्कोप पिक्चर्स को मोशन यानी चलते हुए दिखाने वाला एक डिवाइस है। काइनेटोस्कोप के टॉप पर एक पीप होल होता है, जिससे एक समय पर एक पर्सन इस पीप होल से पिक्चर्स को मोशन में देख सकता है। थॉमस एडिसन ने 20 मई 1891 को एक प्रोटोटाइप काइनेटोस्कोप नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन्स क्लब के सामने पेश किया। ये काइनेटोस्कोप दुनिया का पहला फिल्म प्रोजेक्टर था। नंबर तीन, फेमस पोइट शेक्सपियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर ने 38 प्ले और 154 सोनेट लिखी। उनके प्लेज को कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है और उनके कई नाटकों को भी थिएटर में प्ले किया गया है। शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड में हुआ। 20 मई 1609 को शेक्सपियर की पहली सोनेट ए लवर्स कंप्लेंट पब्लिश हुई। सोनेट 14 लाइंस की एक पोइम होती है। विलियम शेक्सपियर का अमेजिंग फैक्ट एक ये भी है कि इनके प्लेज में लड़कियां एक्टिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके प्लेज में लड़कियों के रोल्स को भी लड़कों ने ही निभाया था। शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। नंबर चार, आज हर एक इंसान जीन पहनना पसंद करता है, चाहे कोई बच्चा हो, मेल हो या फिर फीमेल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीन्स की पॉकेट पर लगे हुए बटन्स का क्या मतलब है और बटन्स लगी हुई जीन का पेटेंट किसने करवाया? लेवाई स्ट्रॉस जीन का कपड़ा बेचने वाले एक अमेरिकी कारोबारी थे और जैकब डेविस एक दर्जी थे। जैकब लेवाई से कपड़ा लेकर जीन्स बनाते थे, जिनका इस्तेमाल उस समय केवल खदानों में काम करने वाले मजदूर ही करते थे, क्योंकि जीन्स का कपड़ा काफ़ी मोटा और मजबूत होता था। ये मजदूर जीन्स की पॉकेट में माइनिंग के दौरान निकले मेटल्स को रखते थे, जिसके कारण जीन्स की पॉकेट फट जाती थी और सभी मजदूर इससे परेशान थे। तब जैकब ने जीन्स की पॉकेट को मजबूत बनाने के लिए मेटल के रिवेट का इस्तेमाल किया और 20 मई 1873 को लेवाई स्ट्रॉस और जैकब डेविस को मेटल रिवेट लगी हुई जीन्स का पेटेंट मिला। अगर आपको जीन्स के पेटेंट की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हिस्टोफेंसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।